हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासरूम सीबीएसई साइबर मेट में। फ्रेंड्स, ये वीडियो है क्लास 8 चैप्टर पाइथन के ऊपर, जिसमें कि आज हम लोग डील करने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमारा जो चैनल है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीबीएसई बेस्ड करिकुलम को फॉलो करता है, उसके कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डील करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसके पहले हम लोगों ने डील किया था arithmetic operator as well as assignment operator. Relational operator is a kind of operators that relates two variables, जो कि दो variable को relate करता है। इसे हम लोग comparison operator भी कहते हैं, जो कि values को compare भी करता है। ये मैंने list out करके already यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें कि पहला जो symbol हम लोग deal करने जा रहे हैं, पहला जो operator deal करने जा रहे हैं, वो equal to। ये equal to basically जो work करेगा वो ये कि दो value को equality के लिए compare करेगा। यदि वो दो value बराबर है तो return करेगा result true, otherwise return करेगा value false। comparison operator या relational operator always true या false ही return करते हैं, based on the conditions। जो conditions हम लोग देते हैं, जो expression हम लोग देते हैं, उसके according जो result आ रहा है वो always true और false ही return करने जा रहा है। next greater than है, इसमें ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो होगा ट्रू यदि जो इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो बड़ा हो राइट साइड के वैल्यू से। तो लेस देन वाले के केस में ट्रू रिटर्न करेगा यदि लेस देन का ये लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो स्मॉलर होगा राइट हैंड के वैल्यू के से। ग्रेटर देन इक्वल टू केस में ये चेक करेगा मोर देन और इक्वालिटी दोनों को। यदि दो वैल्यू हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, यदि तो उसमें जो लेफ्ट वाला वैल्यू है यदि वो बड़ा या बराबर हो तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। लेस देन के केस में भी वही होने जा रहा है, बस वो चेक करेगा लेस देन कि यदि लेफ्ट का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू दोनों में से कोई भी यदि हो जाए तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। और नॉट इक्वल टू केस में यदि दोनों वो वैल्यू बराबर नहीं है दोनों वैल्यू, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इस ऑपरेटर्स को हम लोग थोड़ा देख ले प्रैक्टिकली करके पाइथन के आइडल एडिटर पे, ताकि हम लोग का कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके मन में जब लास्ट वीडियो तो आप देख लेंगे यदि फिर भी क्वेरी रह जाता है तो वो क्वेरी को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, मैं जल्द से जल्द आपको रिवर्ट बैक करूंगा। ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसमें कि दो वैल्यू हम लोगों ने इनपुट लिया है कीबोर्ड से, एक N1 में और दूसरा N2 में। उस दोनों वैल्यू को जब हम लोगों ने इक्वालिटी से कंपेयर किया तो वो उसका रिजल्ट यहाँ पर शो करवाया है हम लोगों ने। यदि वो नंबर बराबर होगा तो रिजल्ट होगा ट्रू, अदरवाइज यदि बराबर नहीं होगा तो रिजल्ट होगा फॉल्स। ये क्योंकि हम लोग कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर बराबर भी हो सकते हैं, वो नंबर बराबर नहीं भी हो सकते हैं। वो सारा डिपेंड कर जाएगा कि वो जो करंट इनपुट हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा कर देखते हैं। फर्स्ट एंटर ए नंबर के जगह पर हम लोग सपोज दिया 15 और इसके जगह पर हम लोग दे रहे हैं 20, तो क्या 15 इक्वल टू है 20 के? यदि है तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो करेगा फॉल्स। तो चूंकि 15 इक्वल टू नहीं है 20 के, इसलिए हमारे केस में जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है फॉल्स। इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराते हैं, इस बार नंबर हम लोग देते हैं 15 15। चूंकि 15 इक्वल टू है 15 के, इसलिए वो आउटपुट देगा ट्रू। सिमिलरली यदि यहां पर हम लोग ग्रेटर देन दे, तो यदि N1, क्योंकि दो इनपुट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर N1 और N2, तो जब N1 मेरा बड़ा होगा N2 से तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। दो नंबर इनपुट करते हैं हम लोग 15 15, क्योंकि 15 बड़ा नहीं है 15 से, इक्वल टू है 15 के, इसलिए हमारे केस में ये देने जा रहा है आउटपुट फॉल्स। लेकिन
जैसे ही हम लोग इनपुट के रूप में फर्स्ट नंबर n1 जो हमारा होगा n1 यदि उससे हम लोग ग्रेटर देन दे दे n2 से तो हमारा केस हो जाएगा ट्रू। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्रेटर देन को यूज कर देते हैं लेस देन से, यहां पर चेंज कर दिया। अब जो हम लोग का आउटपुट आने जा रहा है, यदि हम लोग n1 स्मॉलर वैल्यू देंगे तो ट्रू होगा, यदि n2 लार्जर वैल्यू देंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। प्रोग्राम पूर्ण कराते हैं। यदि हम लोग फर्स्ट वैल्यू देते हैं ग्रेटर देन 15 और एक 12 दे देते हैं तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू, ये जो रिजल्ट आने जा रहा है वो आने जा रहा है फॉल्स। लेकिन उसी जगह पर यदि हम लोग इनपुट दे देते हैं n1 के लिए लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर और n2 के लिए लार्जर नंबर, तो हम लोग का जो आउटपुट आने जा रहा है वो आने जा रहा है ट्रू। अब हम लोग देखते हैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू से कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ये कंपेयर करेगा और रिटर्न करेगा ट्रू यदि n1 n2 से या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। यदि दोनों में से कोई भी एक केस ट्रू हो जाता है तो वो रिजल्ट देगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट देगा फॉल्स। करके देखते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू दिया 15 एंड सेकेंड वैल्यू दिया 12, तो यहां पर ये जो रिजल्ट देगा वो देगा ट्रू। अगली बार हम लोग यदि इसे दोनों वैल्यू इक्वल टू कर दें 15 और 15, तो यहां पर ये वैल्यू देगा या रिजल्ट देगा ट्रू, क्योंकि 15 यदि 15 से बड़ा नहीं है तो भी क्या, ये 15 बराबर तो है, इसलिए उस कंडीशन को, किसी एक कंडीशन को वो ट्रू कर दे रहे हैं। मोर देन इक्वल टू दोनों साइन हम लोगों ने यूज किया है, इधर मोर देन और इक्वल टू, तो दोनों में से कोई एक केस ट्रू हो जा रहा है इसलिए हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू। लेकिन यदि हम लोग यहां पर फर्स्ट वैल्यू को लेस कर दें 12 कर दें, सेकंड वैल्यू को ग्रेटर कर दें, तो हमारा आंसर आ जाने वाला है फॉल्स। सेम होगा किस केस में, यदि हम लोग इसे लेस देन और इक्वल टू कर दें तो बस n1 या तो छोटा हो या तो बराबर हो तो आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज आउटपुट आएगा फॉल्स। करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वैल्यू 12, सेकंड वैल्यू 15, ट्रू। फर्स्ट वैल्यू 12, सेकंड वैल्यू 12, सिंस 12 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है इसलिए यहां पर रिजल्ट आएगा हमारा ट्रू। लेकिन यदि फर्स्ट वैल्यू हम लोग यहां पर देते हैं 15 और सेकंड वैल्यू देते हैं 12, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा फॉल्स। अब नॉट इक्वल टू को देखते हैं। यहां पर इस सिंबल को हम लोग चेंज कर देते हैं नॉट से। नॉट सिंबल हम लोगों को मिलेगा कीबोर्ड में 1 के ऊपर और 1 प्रेस करेंगे हम लोग शिफ्ट के साथ, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन हमारा अपीयर होगा एडिटर में। यहां पर हम लोग कोई वैल्यू 12, 13 या 14, तो चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए आंसर क्या होगा हमारा ट्रू। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई भी ऐसा नंबर दे दें जो कि इक्वल हो जाए तो वो आंसर देगा आपको फॉल्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। इस रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग देखेंगे जब हम लोग डील करेंगे इफ एल्स कंडीशंस को, वहां पर इस एक्सप्रेशंस को हम लोग यूज करते हैं कंडीशंस बनाने के लिए इफ में। यदि वो उस वक्त ट्रू होता है तो इफ अकॉर्डिंगली काम करता है, यानी इफ में या लूपिंग स्टेटमेंट में हम लोग इसे फिर से देखेंगे इस ऑपरेटर्स को। लेकिन इंट्रोडक्टरी के लिए ये आज का वीडियो के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर अवश्य करें। कोई क्वेरी रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।